पिता जैकब तरह तरह के पैंतरे भी अपना रहे। और बड़ी खबर आ रही है, दीप सिद्धू की हिरासत बढ़ी है, 7 दिन ये हिरासत बढ़ी है। और इसी के बाद आपको बता दें, लाल किला हिंसा से जुड़ा ये केस, जहां दीप सिद्धू की हिरासत फिलहाल 7 दिन की बढ़ी है, यानी 7 दिन अभी और पूछताछ होगी और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके बाद से गिरफ्तारियों करने के दौर जारी है, तलाश लोगों की जा रही है। दीप सिद्धू की अभी जो जानकारी मिल रही है, हिरासत बढ़ी है, 7 दिन की ये हिरासत बढ़ी है। और अब ये 7 दिन और महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों के लिए, क्योंकि अब और चीजों को खंगालना है, किस तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं इन्हें, अब इनके तार ढूंढने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से हो रही है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। आनंद जी, देखिए दीप सिद्धू को आज क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से दिल्ली की कोर्ट में पेश किया था और वहां से उसकी रिमांड मांगी थी। 7 दिन की रिमांड कोर्ट ने ग्रांट करी है, यानी अब अगले 7 दिन और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो SIT है उसके शिकंजे में जो दीप सिद्धू में रहेंगे कस्टडी में। और इस पूरे मामले में दीप सिद्धू को लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। दीप सिद्धू को लाल किले भी ले जाया गया था इकबाल सिंह के साथ, और वहां पर पूरा मौका मुआयना कराया गया था कि किस तरह से दीप सिद्धू वहां पर पहुंचा था, किस रूट से पहुंचा था, किस तरह से उसने वहां पर भड़काऊ स्पीच दी थी और वहां से लगातार लाइव किए थे। इसी को लेकर 7 दिन की रिमांड अभी मांगी है। जो क्राइम ब्रांच से जानकारी मिल रही है कि इन 7 दिनों में दीप सिद्धू ने और किस तरह से पूरी प्लानिंग रची थी, किन किन लोगों के वो टच में था और किस तरह की उसको फंडिंग हुई थी, उसके जो बैंक खाते हैं उसकी भी तफ्तीश जो है उसे भी लगातार खंगाल रही है क्राइम ब्रांच की SIT। तो 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में क्राइम ब्रांच ये पुख्ता करने की कोशिश करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी कि ये जो पूरा 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी जिसमें करीबन 250 ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उस पूरी हिंसा में और कौन कौन लोग मास्टरमाइंड थे, और जिस तरह से लगातार खालिस्तानी समर्थकों का नाम सामने आ रहा था, तो क्या कोई विदेशी फंडिंग हुई थी, किस तरह से रोडमैप तैयार किया गया था और किस तरह से पूरी प्लानिंग ये तैयार की गई थी कि 26 जनवरी को हिंसा करना है। इस पूरे मामले को लेकर दीप सिद्धू से लगातार पूछताछ क्राइम ब्रांच अगले 7 दिन और करेगी। हम ठीक है, आनंद आप रहिए और नजर बनाए रखिए। एक नजर जरा आप जल्दी से डाल लेते हैं कि आखिरकार ये टूलकिट मामला है क्या। 26 जनवरी को हिंसा में अफवाह फैलाने में इसका इस्तेमाल हुआ, ट्विटर पर किसानों को भड़काने में इसका इस्तेमाल किया गया, इस टूलकिट को कुछ लोगों ने ट्वीट के साथ एक भड़काऊ लिंक भी इसमें शेयर किया और हैशटैग के जरिए ट्विटर पर डिजिटल दुष्प्रचार किया गया। ये टूलकिट किसी अभियान को ट्रेंड कराने में मदद करता है। टूलकिट के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश की गई। टूलकिट पर लिखी बातों से भारत में सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश बुनी गई। टूलकिट से खालिस्तान समर्थकों के जुड़ने का भी देखिए आरोप लग रहा है।